कश्मीर में बर्फबारी और जम्मू में बारिश का बेहद लंबा इंतजार जो है वो तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया। मैं आपको बता दूं कि जम्मू में काफी लंबे समय से लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर धुंध जो है वो बड़ी ज्यादा है, कब बारिश हो, कब इस सूखे से जो है हमें छुटकारा मिले। कहीं ना कहीं लोग जो है वो लंबा इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि दो दिन पहले कश्मीर में भी बर्फबारी और जम्मू में कल शाम से ही जो है वो बादल जो है कभी लग रहे थे तो कभी धूप निकल रही थी। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इंतजार जो है वो जम्मू के लोग कर रहे थे इस सूखे से जो है वो कब निपटारा मिले। और अब मैं आपको बता दूं कि आज बारिश जो है वो बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है जम्मू शहर में। और तमाम जो मेरे व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सबसे इतनी बात कहूंगा कि आप भी अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की जो है मौसम की जानकारी जो है वो हमारे तक जरूर साझा करें कि आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या बादल, घने बादल छाए हुए हैं या कुछ भी मौसम जो बना हुआ है उसकी जानकारी जो है वो हमें जरूर मैसेज के थ्रू दें। और मैं आपको बता दूं कि इतनी बात जरूर है कि काफी लंबा इंतजार लोगों को बारिश का करना पड़ा। और हमेशा से जेके सनराइज बात करता आया है किसानों की, किसानों की अगर बात करें तो किसान बेहद इंतजार कर रहा था कि कब बारिश हो। और जो इस समय कनक की फसल, जो गंदम की फसल लगी है, उस फसल को जो है वो पानी का छटकारा हो। जैसे मर्जी आप बारिश है, आप पानी चाहे खेती बाड़ी करते हैं, नहर का लगाते हैं, ट्यूबवेल का, मोटर का पानी इस्तेमाल करते हैं, वो एक अलग चीज है। पर जो पानी कुदरत छटकारा करती है फसल के ऊपर, उसका जो है कोई मुकाबला नहीं होता। उससे फसल जो है वो जरूर उभरती है, फसल अच्छी होती है, हरी होती है। क्योंकि इस समय में आप सब जानते हैं कि कनक की फसल जो है, अगर बात की जाए तो जो भी किसान लोग हैं वो इस समय ज्यादातर, हमने पीछे देखा कि दो तीन दिन जब धूप निकली तो सभी ने स्प्रे का, जो भी दवाइयां जो डालनी थी उन सब ने जो है वो दवाइयां डाली। और इस समय मैं जम्मू शहर की सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर इस समय मैं मौजूद हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी है। यकीनन अगर आप बाहर खड़े होंगे तो इतनी बारिश जरूर हो रही है कि आप गीले जो है वो जरूर हो जाएंगे। और वही दूसरी तरफ कश्मीर की बात करें तो जितने भी बिजनेसमैन हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कब टूरिस्ट जो है वो बर्फ का नजारा लेने के लिए जो है वो कश्मीर पहुंचे, और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, गांधरबल, छुपिया, कुलगाम, अनंतनाग जिले सभी ऊंचे इलाकों में जो है वो बर्फबारी की संभावना जताई है। और अब कहीं ना कहीं जो है वो पर्यटक, जो टूरिस्ट है, वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और मौसम विभाग के अनुसार 30 से 31 जनवरी तक प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश जो है इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 1 से 2 फरवरी तक आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर और शाम के बीच कई स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 3 से 4 फरवरी तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है बर्फबारी की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अच्छी खबर, लगभग आने वाले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो बारिश जो है वो अगले एक हफ्ते में बूंदाबांदी, कहीं तेज कहीं कम, जो है वो लगातार होती रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंतजार लोग जम्मू शहर के कर रहे थे कि कब बारिश हो, अब ये जताया जा रहा है कि लगभग सभी क्षेत्रों में जो है वो बारिश की संभावना जब बताई जा रही है। और कई सारे पर्यटक जो है वो बाहर से इस समय जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आ रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि लंबा इंतजार तमाम टूरिस्ट कर रहे थे कब बर्फबारी जो है वो कश्मीर की। अब अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की बर्फबारी का लोग जो है वो बेहद लंबा इंतजार करते हैं कि कब जो है वो बारिश हो और हम घूमने के लिए जाएं। उसमें अगर चाहे बात की जाए जम्मू शहर के लोगों की, या बाहर से, पंजाब से, कोलकाता से, महाराष्ट्र से, काफी दूर दूर से लोग जो है बर्फबारी का नजारा लेने के लिए आते हैं। और फिलहाल की मैं आपको तस्वीरें इस समय जो है वो मैं बता रहा हूं जम्मू शहर की, जम्मू कश्मीर के सबसे लंबे फ्लाईओवर, जाने की जो अगर बात की जाए कनार रोड से मुट्ठी को जोड़ता है, वो तमाम
इस समय की तस्वीरें, बूंदाबांदी जो है वो तेज हो रही है और ये देखे तस्वीरें लगातार जो है वो बूंदाबांदी हो रही है और कई टूरिस्ट जो है वो बाहर से आए, उन्होंने ये अंदाजा जताया कि बारिश का इंतजार, बर्फबारी का इंतजार, कश्मीर की बर्फबारी का इंतजार वो बड़ा बेसब्री से कर रहे थे और अब जो है वो बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। इस समय मैं अपनी गाड़ी में इस समय मौजूद हूँ क्योंकि बाहर हमने कोशिश की कि हम आपको बाहर से जो है वो कवरेज करें, पर मैं आपको बता दूं इतनी बूंदाबांदी जरूर हो रही है कि आप बाहर जो है वो गीले हो जाएंगे। तो गाड़ी में ही बैठकर जो है इस समय आपको मौसम की जो है मैं जानकारी जो है वो इस समय दे रहा हूं और तमाम व्यूअर्स से इतनी बात एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इस खबर को शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि क्या आपके क्षेत्र में बारिश हो रही है, मौसम का हालचाल आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र से हैं, तमाम क्षेत्र से जो है वो आप अपनी जानकारी जो है हम तक जो है वो साझा करें। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बारिश इस समय शुरू हो चुकी है, बेसब्री से लंबा इंतजार जम्मू शहर के जो लोग थे या कश्मीर के थे, बर्फबारी का, और जम्मू शहर के लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे कि कभी सूखे से जो है निपटारा मिले। काफी सर्दी इस बार जम्मू में रही, श्रीनगर के मुकाबले में जम्मू शहर में जो है वो सर्दी ज्यादा रही, जिससे काफी परेशानी हुई। बच्चों के स्कूल की छुट्टियों की अगर बात करें, वो छुट्टियां भी जो है वो लगातार जो है वो डिपार्टमेंट को बढ़ानी पड़ी क्योंकि सर्दी ज्यादा थी, उसी के चलते जो है बेहद मुश्किल जो है वो बच्चों को रहती है। स्कूल अगर बच्चे भेजने हो तो सर्दी ज्यादा होने से काफी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ती है। तो तमाम चीजें रही और बेहद सर्दी इस बार जो श्रीनगर के मुकाबले में जम्मू शहर में रही। फिलहाल अच्छी खबर यही कि सूखे से निपटारा मिलने जा रहा है और अगले हफ्ते तक कहीं ना कहीं जो जताया जा रहा है कि मौसम जो है वो इसी तरह से करवटें बदलता रहेगा, कभी आपको धूप दिखेगी, कभी काले बादल छाए रहेंगे और कभी बारिश के भी आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। 3-4 फेब तक अगर बात की जाए तो इसी तरह से मौसम जो है वो रहेगा, मौसम खराब रहेगा, कभी बारिश आ सकती है, कभी हल्की धूप आ सकती है। जो हमें जानकारी इस समय मौसम विभाग से जो मिल पा रही है वो आप तक साझा कर रहे हैं और आप लोग इसी तरह से जेके सनराइज के साथ जुड़े रहें तमाम नई अपडेट्स के साथ। और कोई भी अगर आपकी तरफ से राय हो जेके सनराइज के लिए, वो भी आप राय जो है वो जरूर रखें। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू में बारिश का इंतजार लोग कर रहे थे वो बारिश शुरू हो चुकी है और कश्मीर में जो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे बर्फबारी हो चुकी है और कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में जो है वो बर्फबारी देखने को जरूर मिलेगी। फिलहाल बने रहे पापा सर नई अपडेट के लिए। नमस्कार।